हेलो शॉपर्स, वेलकम टू टेक शॉपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे आने वाली अपकमिंग सेल्स के बारे में, जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे, तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की अपकमिंग सेल्स जो कि आपको दिसंबर 2020 के एंड तक देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यू है Q&A सेशन, यानी आप सबने जो भी कमेंट्स किए थे, जो भी डाउट्स पूछे थे, उन सब के जो है सेकेंड हाफ में जो है आंसर किए गए हैं डिटेल में। अगर आपके मन में कोई भी किसी प्रोडक्ट सर्विस को लेकर नीचे जाओ, कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखो, हम जो है उसको नेक्स्ट Q&A में कवर करेंगे। आपके साथ साथ काफियों की हेल्प हो जाएगी। आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक जरूर कर देना, और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना फॉर फ्रेश अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हो जैसे कि जो है बिग सेविंग डेज और बिग ईयर एंड सेल दोनों को मिक्स करके यहाँ पे बिग ईयर एंड सेल जो है यहाँ पे अनाउंस की गई थी फ्लिपकार्ट की तरफ से। काफ़ी दिन चली थी, 9 से लेकर 16 तक, यानी अभी भी एक दो दिन बचा है। तो जो भी लोग यहाँ पे कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो अभी लास्ट डेज चल रहे हैं, तो ज़्यादातर डिस्काउंट जो है ऑलरेडी ख़त्म हो चुके होंगे और आपको नॉर्मल प्राइस पर ही चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। जस्ट कार्ड ऑफर लग रहा है तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट सेल की बात कर लेते हैं, ये है ब्लैक फ्राइडे सेल। बहुत ही जल्दी ये अनाउंस हो सकती है। देखो नवंबर मंथ में आती है यूजुअली, बट इस बार जो है नहीं आई थी, तो आपको दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकती है अभी इस सेल के बाद। अब देखना ये होगा कि इस सेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही सिर्फ डिस्काउंट देखने को मिलेगा कि बाकी सब चीज़ों पे भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखो यूजुअली ये सेल जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को ही टारगेट करती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कह सकते हो कि आपको स्मार्टफोन हो गया, TV हो गया, DSLR, ऐसी बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आइटम आती है, चाहे लैपटॉप भी है, वो आपको यहाँ पे अच्छे प्राइस पे देखने को मिल सकते हैं विद कार्ड ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, नो कॉस्ट EMI अगर आप लेना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो इस सेल को एज इलेक्ट्रॉनिक सेल भी आप देख सकते हो, और आपको बहुत ही जल्दी ये सेल देखने को मिलने वाली है। इस सेल के इमीडिएटली बाद इसकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, बाकी मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताता चलूँगा। बाकी अगर हम बात कर लें नेक्स्ट सेल की, 20 दिसंबर के बाद आपको ये अनाउंस होती हुई देखने को मिलेगी। नाम है इसका मोबाइल बोनाजा सेल। बहुत ही जल्दी ये सेल आएगी। स्मार्टफोन्स देखो अभी 2023 एंड होने वाला है, तो कहीं ना कहीं 2023 के स्टार्टिंग के मॉडल, 2022 के एंड के मॉडल और 2023 के मिड के मॉडल, ये सारे जो है कंपनीज निकालना चाहेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है एंड जो भी एंड में सेल्स आएंगी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे के हो सकता है कि आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया डील्स भी देखने को मिल जाए। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो कि कम पैसे में ज़्यादा वसूली करना चाहते हैं, अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो ये कुछ एक सेल्स होंगी जहाँ पे आप जो है अपना पैसा बचा सकते हैं, कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। 4 से 5 बढ़िया डील्स यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। वही सेम हाल आपको जो है अमेज़ोन पे भी देखने को मिलेगा। फैब फोन सेल जो है 20, ये कह सकते हो कि दिसंबर के बाद अनाउंस हो सकती है, और ये क्रिसमस स्पेशल सेल होगी, तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्टफोन्स पे बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो, चाहे फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म से लो, चाहे अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म से लो, कोई भी मॉडल लो, देखना ये है कि वो मॉडल जो ज़्यादा रिसेंट नहीं होना चाहिए, रिसेंट होगा तो उस पर बहुत कम डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं होने वाला। वही अगर हम बात कर लें यहाँ पे थोड़ा सा पुराना होता है, लाइक 6 महीने पुराना, कोई खास पुराना फ़ोन नहीं होता, बट वही आपको जो है काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे देखने को मिल जाए, कार्ड ऑफर लग जाए, हर चीज़ लग जाए, तो आपके लिए क्या बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आप 12,000 से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, यानी आपका बजट जो है 12,000 से बियॉन्ड है, तो आप कोशिश करें कि 5G फ़ोन के साथ ही जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि मैक्सिमम सिटीज़ में जो है 5G इस टाइम पे स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि बाद में जो है बोलोगे कि मतलब 5G का सपोर्ट नहीं है ये वो, तो पहले ही आप 5G फ़ोन जो है ज़रूर से लें। अब बात कर लेते हैं Q&A सेशन की। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, Realme GT Neo 3T सेल। तो देखो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था एक बिग सेविंग डेज में, यहाँ पे ये सस्ते में 20,000 के आसपास देखने को मिल गया था, उसके बाद ये कभी नहीं आया। अभी देखो ये आएगा कि नहीं आएगा, स्टॉक पे डिपेंड करता है। अब देखना होगा कि अपडेट आती है नेक्स्ट सेल्स में, अभी एज ऑफ नाउ तो ये अभी फ़िलहाल के लिए तो उम्मीद नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो iPhone 15 सेल। तो देखो iPhone 15 पे अभी कुछ खास सेल आपको नहीं देखने को मिलेगी, वही HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप है इनकी, तो वही कार्ड ऑफर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा 5 से 6 हज़ार का। बाकी ये है कि
इसके अलावा आपको कोई भी लेटेस्ट फ़ोन पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आईफोन 12 लेना चाहते हैं शायद ये, तो आईफोन 12 पे आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये कह सकते हो कि 35 से 40,000 के बीच में ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 35 में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके अलावा बात कर रहे हैं SBI कार्ड डिस्काउंट आएगा क्या, तो डेफिनेटली SBI कार्ड पे देखो डिस्काउंट आते रहते हैं, SBI क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा आते हैं, डेबिट कार्ड पे थोड़े से कम आते हैं। तो जब भी आपको जो भी डिस्काउंट देखने को मिलेंगे वो हम आपको ज़रूर से इन्फॉर्म कर देंगे। जब भी डेबिट कार्ड पे डिस्काउंट हो या फिर क्रेडिट कार्ड पे, आपको डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा बिफोर हैंड सेल शुरू होने से पहले। इसके अलावा अगर हम बात कर लें 15,000 के अच्छा स्मार्टफोन कार्ड लगा कर, तो देखो 15,000 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से आते हैं, जैसे मोटरोला की तरफ से है, सैमसंग की तरफ से है, इवन आपको जो है रियलमी, पोको, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको नीचे कुछ सब्सक्राइबर जो है ये कह सकते हो सजेस्ट भी कर रहे हैं G54, बट ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। फ़ोन में आपको कैमरा चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, 5G का सपोर्ट चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, तो ये सारी चीज़ें को जब आप एनालाइज करोगे तो आपके लिए कोई ना कोई एक एक ब्रांड फ़ोन बनाता ही है, आप उसके हिसाब से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं LG TV। तो देखो LG का टीवी आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, स्मार्ट टीवी, बट प्रॉब्लम ये है कि LG की टीवीज थोड़े महंगे होते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आई वॉन्ट टू बाय MI पैड विच सेल आई हैव टू वेट फॉर। देखो अभी फिलहाल के लिए तो बिग ईयर एंड सेल चल रही है, उस पर तो कुछ खास डिस्काउंट इसमें नहीं देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैड वगैरह है, यानी iPad हो गया, चाहे MI पैड हो गया, चाहे कोई और कंपनी का पैड हो, तो आप ये कह सकते हो ये टैबलेट वगैरह आपको जो है रिपब्लिक डे सेल जो कि जनवरी में आएगी वहाँ पर सही प्राइस पर देखने को मिल सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मार्केट इतनी ज़्यादा सेल्स होती नहीं है, तो कंपनी इनके प्राइस भी थोड़ी कमी नहीं करती है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि अगर आप ये मतलब लेना चाहते हो टैबलेट वगैरह, थोड़ा सा वेट करना बनता है तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। पोको F5 पे डिस्काउंट कब मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको आने वाली सेल्स में देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्मार्ट वॉचेस लेनी है कौन सी सेल बेस्ट रहेगी आने वाली। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेल्स जो भी आती है, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल आती है, वहाँ पे आपको अच्छे प्राइस पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ये है कि आपको जो है कार्ड ऑफर वगैरह लगाना है, 900 से 1000 रुपये में आजकल बेटर जो है आ जाती है, जिसमें आपको तमाम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वही अगर थोड़े पैसे और खर्चेंगे तो थोड़ी प्रीमियम वॉचेस जो है आना स्टार्ट हो जाती है। बाकी टॉप एंड में तो सैमसंग की या एप्पल की वॉचेस आती है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आईफोन में डिस्काउंट होगा क्या, तो डेफिनेटली आईफोन्स पे तो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, 12, 13, 14 पे तो आपको डिस्काउंट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अभी जो 15 सीरीज़ है वो हो सकता है कि थोड़े एक दो महीने नहीं डिस्काउंट देखने को मिले, बाकी जो है मैक्सिमम जो है आईफोन्स पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मुझे रियलमी 60X लेना है 14,400 में, ये कह सकते हैं कि इन्होंने कूपन वगैरह लगाया है तो 13,000 का मिल रहा है, तो आप वेट कर सकते हो अभी आने वाले सेल्स का। आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको ये सस्ते में देखने को मिले, थोड़ा अच्छा डिस्काउंट देखने को मिले। होपफुली वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।